असलमेकम कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे खैरियत से होंगे और जी यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और मैं लेके जा रही थी मोहम्मद अयान को स्कूल क्योंकि स्कूल जो है वो वापस दोबारा से खुल चुके हैं दो हफ़्ते काफ़ी रेस्ट कर लिया बच्चों ने ईद भी काफ़ी अच्छे से गुजर गई रमज़ान भी काफ़ी अच्छे से गुज़र गया तो खैर रमज़ान तो क्या कहते हैं अभी चल ही रहा था तो बच्चों को छुट्टियाँ हो गई थी और उसमें ईद भी आ गई तो चलें ये अच्छा हो गया कि हम लोगों ने थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया तो बस ऐान को स्कूल छोड़ने के बाद मैं घर पे वापस आ गई थी और मुझे बनाना था बच्चों के लिए खाना क्योंकि टाइम का पता ही नहीं चलता कैसे साढ़े ग्यारह हो जाते हैं जल्दी जल्दी हो जाते हैं और साथ साथ फिर मुझे घर के जो बाकी के काम होते हैं वो भी निपटाने पड़ते हैं तो बस यहाँ पे मैंने ना एन से ही स्पेशली पूछा था कि आपने क्या खाना है और उसको ना चिकन के अंदर कोई भी चीज़ हो आलू हो पालक हो चने हो कुछ भी ना तो उसको बहुत पसंद है तो खैर बच्चे जो है वो शौक़ से खा लेते हैं चिकन और चने का सालन भी तो मैंने सोचा कि चलो जी हम बना लेते हैं मुर्ग छोले और मैंने रेसिपी रिकॉर्ड इस वजह से नहीं की क्योंकि मैं बहुत टाइम मतलब ना पहले ना अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ चने की और मुरग की जो रेसिपी है फुल रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है मैं जैसे बनाती हूँ बहुत ज़बरदस्त बनते हैं बिल्कुल जिसको कह लेना कि आप ढाबा स्टाइल में बनते हैं बिल्कुल इस तरह से बनते हैं ना ये मुर्ग छोले बहुत मज़े के होते हैं तो बस जी यहाँ पे जल्दी जल्दी से छोले बना लेंगे और फिर साथ ही मैं जो घर के बाकी के काम हैं वो भी निपटा लूँगी आज मैं आपके साथ ना बस दो तीन दिन का व्लॉग शेयर करूँगी क्योंकि मैं वेडनेसडे को व्लॉग अपलोड करती हूँ और वीकेंड के ऊपर करती हूँ सैटरडे संडे को तो वीक में ना मेरे तीन व्लॉग आते हैं तो अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें मैं आप लोगों के साथ काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर करती हूँ आप लोग व्यू भी देते हो आप लोग देखते हो लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ अपना प्यार दिखाने के लिए सबसे बेस्ट ये है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें कॉमेंट भी किया करें अच्छा जी साथ साथ जो है वो खाना भी बन रहा था और मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे बिल्कुल सुबह सुबह दिल नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का तो वापस आ गई थी जब बयान को छोड़ के और साथ ही मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था तो फिर मैंने अपने लिए ना चाय बना ली थी और दो टोस्ट अच्छे से उनको मैंने ना ब्राउन कर लिया था और एक के ऊपर मैंने हनी लगाया था और एक के ऊपर जैम लगाया था ये मेरा फेवरेट नाश्ता है और बस मैंने उसको इंजॉय किया था और उसके बाद पूरा दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी होगी मैंने कुछ भी फिर शूट नहीं किया मेरी काफ़ी ज़्यादा टफ रूटीन थी ना तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और नेक्स्ट डे जी मैं बना रही थी यहाँ पे दाल चावल और दाल चावल बनाने की इतनी आसान रेसिपी है बहुत दफ़ा मैंने अपने व्लॉग्स के अंदर शेयर की हुई है तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चने की दाल ली है फिर उसके ऊपर मैंने मसूर की दाल और साथ ही फिर मैंने मूँग की दाल ले लिया है इन तीनों दालों को मैंने ले लिया था और बस इनको अच्छे से वॉश कर लिया वॉश करने के बाद ना मैंने इनको कुकर के अंदर डाल दिया था और पानी मैंने इसके अंदर अच्छा खासा डाल दिया है और पानी डाल लेने के बाद ना इसके अंदर मैं ना डा डाल दूंगी जो प्याज़ है गार्लिक है और गार्लिक के चार पांच जगह मैंने इसके अंदर साबुत ही डाल दिए हैं क्योंकि बाद में ना ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे ना इंदर बिल्कुल ये पेस्ट बन जाएगा तो तीन चार मैंने डाल दिए यहाँ पर मैंने ना प्याज़ों को अच्छे से यहाँ पे ना चॉप कर लिया था वो भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए हैं टमाटरों को भी मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी वो भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी और टमाटरों को ग्राइंड करते हुए ना मैंने इसके अंदर न हाफ इंच का एक जो टुकड़ा होता है ना अदरक का वो भी डाल दिया था तो मतलब आप देख सकते हैं कि ये कितनी अदरक मैंने डाली हाफ़ तो नहीं है खैर हाफ से ज़्यादा ही है तो बस ये मैंने ना अच्छे से यहाँ पर ग्राइंड कर लिए हैं टमाटर और शामिल कर दिया यहाँ पे मैंने जो दाल है उसके अंदर अच्छा ये सारी चीज़ें शामिल करने के साथ साथ ना इसके अंदर अब मैं स्पाइस भी ऐड कर दूँगी और स्पाइस में जो बेसिक मसाले होते हैं वही मैं दाल के अंदर ऐड करूँगी यहाँ पे मैंने जो जीरा पाउडर होता है वो वन टीस्पून ले लिया था उसके बाद मैंने सूखा धनिया वन टीस्पून वो ले लिया था और साथ ही इसके अंदर अब मैं शामिल कर दूँगी जो लाल मिर्च का पाउडर होता है वो शामिल कर दूँगी थोड़ी सी क्रश चिली है वो ऐड कर दूँगी नमक डाल दूँगी और थोड़ी सी जो हल्दी होती है वो भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी और साथ ही एक चिकन क्यूब है वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किया था और बस चिकन क्यूब डाल लेने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद बस इसको मैं प्रेशर लगा दूँगी प्रेशर मैंने इसको लगाया था तकरीबन तक ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव मिनट के लिए क्योंकि मुझे बिल्कुल पतली जो मैश हुई दाल होती है वो अच्छी लगती है तो ट्वेंटी मिनट में दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और साथ ही यहाँ पर जो मैंने इस दाल को तड़का लगाने के लिए वो भी रेडी कर लिया था और उसके अंदर मैंने बटर शामिल किया था और इसके अंदर मैंने ज़ीरा ऐड किया था साथ ही मैंने यहाँ पे जो गार्लिक है फ्रेश उसको काट के डाल दिया था ग्रीन चिली डाल दी थी जो गोल वाली लाल मिर्ची होती है वो डाल दी थी और बस ये अच्छे से बघार यहाँ पे रेडी हो चुका है और बस दाल भी हमारी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है तो यहाँ पे हम लगा देंगे दाल को तड़का ज़बरदस्त तड़का जो बन के रेडी मुझे तो ये सारे कलर्स देख के इतने अच्छे लगते हैं ग्रीन येलो रेड इतने प्यारे ये कलर्स लग रहे होते तो हैं ये दाल भी इतने इतने मज़े की बनी थी कि मैं आपको क्या बताऊँ और साथ चावल भी फिर मैंने बॉयल करने थे तो दाल बनाओ और चावल ना हो ये तो हो नहीं सकता और सैलड भी मैंने बनाया था क्योंकि दाल चावल के साथ जो ये प्याज़ का सैलड होता है बहुत मज़े का लगता है तो बस मैंने ये भी साथ रेडी कर लिया था और अचार वगैरह और आपको पता है अगर आपके पास सी कबाब बने रखे हैं वो भी आप साथ बना लें अगर आपके पास शामी कबाब बने हुए हैं तो आप वो भी बना लें तो दाल चावल को जो है वो चार चांद लग जाते हैं तो बहुत मज़े का जो लंच था बच्चों के लिए मैंने रेडी कर लिया था यहाँ पे जी मैं अब चावलों को कर रही हूँ बॉइल और मैं बहुत सिंपल चावल बॉयल करती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को कुछ भी चावलों के अंदर नहीं चाहिए होता बिल्कुल सादा पानी के अंदर मैं चावल बॉयल करती हूँ थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देती हूँ सॉल्ट डाल देती हूँ और जब मैं इसको दम के ऊपर चावलों को रखती हूँ तो इसके अंदर मैं सिर्फ बटर ऐड कर देती हूँ तो बहुत मज़े की ये बटरी बटरी से जो राइस होते हैं वो बन के रेडी होते हैं तो यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए जो लंच है वो लगा दिया था और मेरे बच्चे भी आ चुके थे अच्छा जी यहाँ पे मैं ऐनान को लेके आई थी ट्यूशन के लिए उसकी यहाँ पे तकरीबन आधे घंटे की क्लास होती है तो वो जब तक अंदर अपनी टीचर के पास पढ़ता है मैं तब तक उसका ही वेट कर लेती हूँ क्योंकि आने जाने में इतना टाइम लग जाता है तो बेहतर है कि मैं बाहरी उसका वेट कर लूँ तो वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा था इतना खूबसूरत मौसम था काफ़ी सनी हो रहा था और बारिश नहीं हो रही थी तो मैंने सोचा चले जी छोटा सा क्लिप आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ और फिर मैं घर वापस आ गई थी क्योंकि मुझे जाना था ग्रोसरी करने के लिए इतना इतना कोई बिजी मेरा ये गुजरा ना पूरा वीक कि मैं कोई वीडियो क्लिप इतना खास बना ही नहीं सकी हूँ लेकिन फिर भी जैसे मुझे याद आता था तो मैं छोटा मोटा जो क्लिप है वो आप लोगों के लिए बना लेती थी खैर यहाँ पर मैंने करनी थी ग्रोसरी और ग्रोसरी फिर मैंने कर ली थी और ग्रोसरी करने के बाद हालांकि मुझे और भी दो तीन काम थे लेकिन मुझे समझ नहीं आती दिन इतना छोटा मुझे लगता है गुजर जाता है जल्दी से और काम जो है वो रह जाते हैं और व्लॉगिंग करना बिल्कुल भी आसान नहीं है बिल्कुल भी आसान नहीं है मैं बहुत मुश्किल से सीरियसली वीक के अंदर तीन जो वीडियो हैं वो शेयर कर पाती हूँ जो तो मुझे लगता है कि मैरिड नहीं है और उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बच्चों की तरफ घर की तरफ उनके लिए तो कोई इतना मुश्किल नहीं है लेकिन जो मैरिड हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है मैरिड वुमेन के लिए क्योंकि उन्होंने घर को देखना होता है बच्चों को देखना होता है उनकी पढ़ाई को देखना होता है एग्ज़ाम चल रहे हैं वो देखना होता है दस तरह के उनके मामलात होते हैं वो सारी चीज़ें देखनी होती है तो बहुत मुश्किल होता है व्लॉगिंग करना लेकिन फिर भी मैं हिम्मत करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि ये भी काफ़ी है कि मैं तीन तो एटलीस्ट जो व्लॉग है वो तो डाल ही देती हूँ तो खैर यहाँ पे ग्रोसरी कर ली थी और बस ग्रोसरी करने के बाद अब चली जाऊँगी घर और घर आई हूँ तो यकीन मानें कि मैं अभी अंदर सामान रखा ही था सारा समेट ही रही थी तो इतनी तेज़ बारिश शुरू होगी इतनी तेज़ बारिश शुरू होगी मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी शुक्र है कि हम लोग बस जल्दी से घर आ गए और अल्लाह ने इतनी मोहलत दे दी कि हम लोगों ने सामान अंदर घर कर लिया क्योंकि फिर सामान सारा गाड़ी में पड़ा रह जाता और बारिश ने पता नहीं कब रुकना था खैर यहाँ पे ना थोड़ी देर में बारिश होती है थोड़ी देर में धूप निकल आती है तो यहाँ के वेदर का कुछ पता नहीं चलता ना इस तरह का वेदर यहाँ पे रहता है ज्यादातर अच्छा बारिश अभी हो ही रही थी तो साथ ही फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो जी कोई हलवा वगैरह बना लेते हैं तो पहले ये था कि सूजी का हलवा बनाते हैं फिर मैंने सोचा नहीं ब्रेड का हलवा बना लेते हैं तो बस ब्रेड को मैंने फटाफट यहाँ पे ना तोड़ फोड़ के ना यहाँ पे पैन के अंदर डाल दिया साथ ही मैंने इसके अंदर दूध डाल दिया और तीन चार मैंने इलायची डाल दी और इसके अंदर मैंने बिल्कुल थोड़ी सी शुगर ऐड कर दी और जैसे ही सॉफ़्ट हो चुकी थी ब्रेड दूध के अंदर तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया और यहाँ पे जो मिल्क है बिल्कुल यहाँ पे ड्राई होना स्टार्ट हो चुका था तो इसके अंदर फिर मैंने बटर ऐड कर दिया और बटर ऐड करने के बाद बस फिर मैंने तेज़ तेज़ चम्मच चला के ना इसकी खूब बुनाइया शाइयाँ कर ली तो फिर जो हलवा वो बन के रेडी हो गया तो ब्रेड का हलवा बनाना बहुत आसान है बहुत आसान है और हाँ एंड पे ना मैंने थोड़ा सा जो आ, मिल्क पाउडर होता है वो भी ऐड किया था उसके साथ ज़्यादा मजे का बनता है जो ब्रेड का हलवा होता है तो यहाँ पे मैं तेज़ तेज़ चम्मच चला रही थी क्योंकि ना दूध होता है इसके अंदर और वो साथ साथ ना लगना भी स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ पे तकरीबन जो हलवा है वो रेडी हो चुका है और मक्खन डाला था मैंने इसके अंदर मैंने ऑयल नहीं डाला था अगर आप ऑयल डालोगे तो वो जल्दी नज़र आता है कि सेपरेट हो चुका है लेकिन मैंने यहाँ पे मक्खन डाला था तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग आई होप मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा अगर तो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कॉमेंट करना भी मत भूला करें मिलूँगी बहुत जल्द आपसे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़